अगर सुबह उठ के ये नहीं करेंगे तो आपके साथ भी वही हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं टाइम देख लूँ टाइम क्या हुआ है। ऐसे उसके हाथ में ऑरेंज जूस था और उसने हाथ में वॉच पहनी हुई थी, ऐसे उसने कर लिया और उसके ऑरेंज जूस सारे उसके कपड़ों पे गिर गया। सुबह उठ के ये करें तो आप सारा दिन फ्रेश भी रहेंगे और आपके साथ वो नहीं होगा जो उस बंदे के साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंटरनेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। शुरुआत आज हम एक कहानी से करते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था टॉम। वो हमेशा ही मॉर्निंग्स हेट करता था, यानी उसे सुबह बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन वो रात को मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाते खाते सो गया और पॉपकॉर्न जिस कहें बाउल में डला था वो शीशे का था और वो चादर लेके बेड के ऊपर लेट के चादर लेके अपने यानी कि सो गया। ठीक है, फिर सुबह उसका अलार्म नहीं बजा और जब वो उसकी आँख खुली तब ऑलरेडी वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका था और उसने ऐसे अपनी चादर उठा के फेंकी और वो जो पॉपकॉर्न का बाउल था वो नीचे ज़मीन पर जाके टूट गया। लेकिन वो इतना जल्दी में था, इतना कह लें इतना ज़्यादा जल्दी में था और टेंशन में था कि उसने नोट नहीं किया और नंगे पाँव ही बाहर चले गया और जाते जाते रास्ते के अंदर उसके पाँव पे वो कांच लग गया जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब सुबह सुबह हम उठते हैं कोई काम करने के लिए और लेट हो जाते हैं किसी चीज़ कहीं जाने के लिए कुछ करने के लिए तो फिर हमारे साथ वैसे कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। तो उसके बाद भी ऐसा हुआ, उसका बहुत गुस्सा आ गया, फिर उसने अपने पाँव से कांच निकाला। लेकिन वो ऑफिस के लिए बहुत ही लेट था, उसने जल्द से जल्द अपने कपड़े पहने और जब बाहर गया तो उसके पास नाश्ता करने तक का वक्त नहीं था तो उसने फौरन जो है कपड़े पहने, साफ सुथरा हुआ कपड़े पहने और उससे देखा कि फ्रिज के अंदर एक ऑरेंज जूस पड़ा हुआ है तो उसने वो ऑरेंज जूस लिया और वो जल्दी जो है बाहर चला गया गाड़ी के पास ताकि वो अपने ऑफिस जा सके। तो उसने कहा चलो देखो टाइम क्या हुआ, और ज़्यादा लेट ना हो गया हूँ। तो यहाँ उसके हाथ में वॉच थी और उसने ऐसे अपने हाथ में ऑरेंज जूस पकड़ा हुआ था तो उसने कहा मैं टाइम देखता हूँ कि क्या हुआ है। टाइम देखने के लिए उसने ऐसे किया और ऑरेंज जूस सारा उसके कपड़ों पे गिर गया। लेकिन उसे इस बात यानी कि ये चीज़ देख उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि सारा जूस उसके कपड़ों के ऊपर गिर गया और वो इतना ज़्यादा मतलब उसके कपड़े ख़राब हो गए और टाइम वो ऑलरेडी ज़्यादा लेट हो गया था। फिर उसने देखा कि वो बाहर तो आ गया लेकिन गाड़ी की चाबी घर के अंदर ही रह गई। तो फिर उसने यानी कि दरवाज़ा खोला और उसको गाड़ी की चाबी ही नहीं मिली। फिर उसे एंड पर जाके कहीं गाड़ी की चाबी मिली। तो जब गाड़ी की चाबी मिली उसे तो वो ऑब्वियसली गाड़ी के अंदर आया लेकिन फिर उसे देखा कि उसकी गाड़ी का टायर ही पंचर है। क्या टायर ही पंचर है, यानी कि उस सुबह उसके साथ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हो ही जा रहे थे और उसे इतना गुस्सा आ जा रहा था। और मतलब वो चाबी लेके आया, फिर उसने गाड़ी जब चलाने की कोशिश की तो टायर पंचर हो गया था। फिर उसने टायर बदला और ऑफिस चला गया। ऑलमोस्ट वो एक घंटा लेट हो गया था अपनी ऑफिस के अंदर जाने के लिए और जब वो पहुंचा उसकी हालत इतनी बुरी थी, कपड़ों के ऊपर सारा ऑरेंज जूस लगा हुआ था और बटन्स उसने उल्टे सीधे लगाए हुए थे और अजीब सा हुलिया बना के वो आया था। और बाद में वो इसी चीज़ को अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पर डिस्कस कर रहा था और इसके ऊपर हंस रहे थे वो लोग। और क्या कहते हैं उसका दोस्त जो है, फिर उसने उसे रिकमेंड किया कि तुम सुबह के मॉर्निंग मेडिटेशन क्यों नहीं करते। कहते मॉर्निंग मेडिटेशन वो क्या होता है, यानी कि वो ये सिर्फ इस सुबह नहीं बल्कि हर सुबह उसका मूड ख़राब होता है। ठीक है, तो उसके दोस्त ने कहा तुम मॉर्निंग मेडिटेशन क्यों नहीं करते। तो उसने कहा मॉर्निंग मेडिटेशन ये क्या चीज़ है भाई। तो उसने कहा नहीं, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी, तुम जो मॉर्निंग मेडिटेशन करो और ये जो है तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें गुस्सा भी नहीं आएगा और तुम सारे काम आराम से कर पाओगे। तो कहते यार ये क्या होती है, मुझे तो पता भी नहीं कैसे करते हैं। तो वो जो है फिर उसके दोस्त ने उससे बताई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि उसकी ज़िंदगी में मतलब कि हेल्प की और आपकी ज़िंदगी में तो आपको बिल्कुल हेल्प करने वाली है। तो जी हाँ, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ और जो कि आप बेड में लेटे लेटे ही कर सकते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ आपका दिन अच्छा गुजरेगा बल्कि आपके सर पर कोई बोझ भी नहीं रहेगा और सारे काम आप अपने आराम से कर सकते हैं। ये मॉर्निंग मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात और बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजर सके और जो भी टास्क आप अपने कंप्लीट करना चाहते हैं इजीली कर सकें। तो जी हाँ, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, मैं कहती हूँ बच्चे भी करेंगे, जवान लोग भी करें और एडल्ट लोग भी सारे ही करें। ठीक है, बच्चे बूढ़े जवान सारे ही कर सकते हो, सारों को करना चाहिए ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आराम से आप लोगों ने अपनी आंखें खोली हैं सुबह और आराम से आप लोग अपने बेड में कंफर्टेबली लेते हो और आप लोगों ने आराम से आंखें खोली हैं और आंखें खोलने के बाद आप लोगों ने डीप ब्रेथ जो है आहिस्ता आहिस्ता लेनी है, नोज से अंदर मुंह से बाहर, खुश होकर स्माइल अपने मुंह पर रखनी है और आराम आराम से डीप ब्रेथ लेना है नोज से अंदर मुंह से बाहर।
इराम इराम साथ में लेने, ठीक है, लेट के, और ये लेते हुए फिर इराम इराम से लेके लेने, फिर आप लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देने हैं. क्या एफर्मेशन जानी? अपने दिमाग को अच्छी कमांड देनी है. आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव एवरीथिंग. ठीक है, आप अपने आप को ऐसी पॉजिटिव कमांड्स दें. और इसी तरह अगर आप अपने आप को यानी इस तरह एफर्मेशंस देंगे तो आप देखिएगा कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा. और ये चीज़ें ना अपने आप को कहनी चाहिए. हम अपने आप को हार्श लफ्ज बोलते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, ये भी नोट कर लीजिए, वो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा. अच्छा, लेकिन अपने आप को खुश जो अच्छे लफ्ज हैं वो बोलने चाहिए ताकि हम उसकी तरफ मायल हों. ठीक है, और ये करना है अपने आप को अच्छे से एफर्मेशन देनी है. फिर आप लोगों ने अपनी आँखें बंद कर लेनी है और रियलाइज करना है कि आप कैसा चाहते हैं कि आपका आज का दिन गुजरे. जैसा चाहते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं आराम से, फिर मैं टूथब्रश करूं, फिर आराम से खुशी खुशी मैं नाश्ता बनाऊं, और फिर मैं ये कर लूं अपना काम, फिर मैं ये कर लूं, फिर मैं ये कर लूं, फिर मैं वो कर लूं, इस टाइम पे मैं ये करी होंगी, फिर मैं ये कर लूंगी, फिर मैं ये कर लूंगी, और सब कुछ परफेक्टली जाएगा. इसको आँखें बंद करके एक दफ़ा वियलाइज कर लें. यह जो है इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करेगी. वियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. और आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी, भले दिन के हवाल से रखें, भले हफ्ते के हवाल से रखें, कोई भी इवेंट भी आप प्लान कर रहे हो, कहीं भी आपको जाना हो, कोई भी आप लोग चीज़ कर रहे हो, बल्कि सोने से पहले आप अपने अगले दिन की भी विजुलाइजेशन किया करें. ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है. ये सिंपल सी 3 स्टेप मॉर्निंग मेडिटेशन है जो कि मैं कहूँगी कि आप करें और भी लोगों को ये शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में ये बहुत यानी कि मदद करेगी उनकी. अगर आप अपने किसी भी क्लोज लोगों से प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप जो है ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज ये उनकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करने वाली है और कभी भी पैनिक होने से उन्हें बचा सकती है. सो थैंक यू. मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं प्रोफेशनल टिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं लोगों के लिए लाती हूँ, आप लोगों के लिए लाती हूँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, और एक फ़न ह्यूमर भी ऐड करती हूँ उसके अंदर, ताकि आप लोग जो हैं उसे आराम से सीख सकें और बच्चे भी देख सकें और जवान लोग भी देख सकें और हर कोई देख सके. सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी. अब बस काम आप पे है. अगर आप लोग अपने आप से प्यार करते हैं तो आप लोग ये लाजमी करेंगे, बिकॉज ये आप लोगों की ही हेल्प करने वाली है. थैंक यू. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.